यहाँ पर भी लोग शेयर शायद नहीं करना चाहेंगे, पर जो लोग अक्सर अपसेट रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, निराश रहते हैं, उनके पास पैसे की छूट है क्या? बता दीजिए, नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम शेयर तो नहीं करेंगे, एक दूसरे को पहचानते तो बोल नहीं सकते हैं कि पोल खुल जाएगी, पर सच्चाई है ये। हाँ, पर वो अवस्था नहीं चाहिए, ग्रीन पेन दे दो। तो क्या करना होगा हमको? पहला, दादाजी जेपी वासवानी कहते हैं कि हम डिस्टर्ब क्यों होते हैं, हम अटैच हो जाते हैं, दूसरों से बहुत अधिक उम्मीदें बांध लेते हैं, और जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती, हम निराश अपसेट। इस क्षण से आपको क्या करना है? आज तक हमने सोचा है कि उससे क्या लूं, इससे क्या लूं, इससे क्या लूं, ये मुझे प्रेम करे, ये मुझे रिस्पेक्ट करे, ये मुझे अप्रिशिएट करे। अब ये देखना है कि जो इस क्षण मेरे साथ में है उसको मैं क्या दे सकती हूं, मैं क्या दे सकती हूं। ठीक है, मेरे पास कैश नहीं है काइंड नहीं देने के लिए, है ना? दो शब्द तो कह सकते हैं, अरे कितने सुंदर लग रहे हो, है ना? ये भी नहीं होता हमसे तो नारायण ब्लेस हर, ब्लेस हर, ब्लेस हर, ब्लेस हर। कुछ नहीं होता आपसे, नहीं दे पाते, ना कैश दे पा रहे, ना काइंड दे पा रहे, ना अच्छे शब्द, एप्रिसिएशन भरे शब्द नहीं बोल पा रहे, मन ही मन नारायण ब्लेस देम, नारायण ब्लेस देम, सुख शांति समृद्धि से भरा इनका जीवन हो, हर कदम पर उन्नति करे, प्रगति पाए, सफल हो, बारंबार बारंबार बारंबार। और देखिए क्या मिरेकल होगा आपके जीवन में विद इन 7 days। आज थर्सडे है, अगले थर्सडे देख लीजिए, और बाद में धन्यवाद का फोन गीतिका जी के जरूर से कर देना, शी डिजर्व। पर यदि आप साधना करते हैं तो मैं इनके लिए क्या कर सकती हूं, बजाय इनसे मुझे क्या मिले, मैं इनके लिए क्या कर सकती हूं। और कुछ नहीं कर सकते, इतना तो हम कर सकते हैं, नारायण ब्लेस देम, ब्लेस देम, ब्लेस देम, सुख शांति समृद्धि से भरा हुआ जीवन हो इनका, दिन प्रतिदिन उन्नति प्रगति सफलता प्राप्त करें। जो जो अच्छी चीजें आप बोल सकते हैं बारंबार बोलिए, क्योंकि आप उनके लिए बोलते हैं और ऊपर वाला फिर आपको बोलता, आपके लिए बोलता है। आप कहेंगे ब्लेस देम, ब्लेस देम, ब्लेस देम, वो कहेगा ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। शास्त्रों की बातें पहुंचा रहे हैं आप तक, शास्त्रों की। हमने नारायण शास्त्र का नाम लिया है, नारायण शास्त्र आपको मार्केट में उपलब्ध नहीं है। सारे जितने भी शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, श्रीमद् भगवद् गीता है, इनका सारों का निचोड़ है नारायण शास्त्र, सबका निचोड़ है। और बेहद सीधी सरल भाषा में सुनते सुनते भीतर जा रहा है ना, जा रहा है कि नहीं जा रहा, कितना आसान है। और इतना अच्छे से जाएगा कि आपको घर जाकर चिंतन नहीं करेगा, पर सेट हो जाएगा एकदम अच्छे से। फिर उसके बाद ऐसी अवस्था हो जाएगी कि चैलेंज करोगे आप लोगों को कि मेरे मन की शांति जरा छीन के तो देख। जब तक आप सामने वाले को परमिशन नहीं देते, nobody can touch you, ये निश्चित है। न तो विचारों से, न वाणी से कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता जब तक आप परमिशन ना दें। अब पहला केस बताया आपको, बजाय उनसे मुझे क्या करना है आपको, सिर्फ इतना ब्लेस देम, नारायण ब्लेस देम, नारायण ब्लेस देम, नारायण ब्लेस देम। बहू ने आपके से आके कहा, आपका प्लान जो भी था, ब्लेस देम, कहीं हर्ट हुए आप, ब्लेस देम, ब्लेस देम, ये ऐसा क्यों करती है, मेरे साथ ही करती ना, नारायण ब्लेस देम, नारायण ब्लेस देम, आपको देख के दरवाजा बंद किया, नारायण ब्लेस देम। आप बैठे हैं, आपके सामने फैन बंद कर दिया, एसी बंद कर दिया, नारायण ब्लेस देम। जस्ट सी द मिरेकल। मेरे भी दो बहुएं हैं, तो कई बार लोग बोलते हैं इसके बहू आएंगे तो मालूम पड़ेगा, मेरे भी दो दो हैं, पर बहुत अच्छी है। हाँ, तो जब आप
निरंतर ये मंत्र है, नारायण शास्त्र का मंत्र है, नारायण ब्लेस देम। जब ऐसा उच्चारण करेंगे यहाँ पर आपके मन में शांति, डिस्टर्ब कहाँ से होंगे आप। दूसरा केस था कि सामान आपका तरीका है रखने का, बहुत सिस्टमेटिक है, आपने इधर रखा, किसी परिवार के सदस्य ने बहू ने आके इधर से तो रख दिया, आप डिस्टर्ब। उस क्षण आपको एक ही सोचना है कि मैं अपना रोल अदा कर रही हूँ और वो अपना रोल अदा कर रहा है जो भी कर रहा है ना। और हम दोनों को अपना अपना रोल अदा करने के लिए उसने चुना है, किसने, ईश्वर ने, नारायण ने, तो डिस्टर्ब होने का प्रश्न ही नहीं ना, है क्या, नहीं। हाँ, तीसरा केस आपका प्लानिंग था किट्टी पार्टी में जाने का, आपने कदम बाहर रखा मटकते हुए और भागी भागी बहू आई, अरे मम्मी कहाँ जा रहे हो, बच्चों को कौन संभालेगा, मुझे विंडो शॉपिंग के लिए जाना है। इमीडिएट समझ जाने का कि मेरा प्लान था, ध्यान से इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, अभी सीक्रेट दे रहे हैं आपको, सासुरों का सीक्रेट कहते हैं ना, और बेहद सीधी सरल भाषा में, कदम बाहर आपका वो आती हुई बोली कि आपको बच्चों को संभालना है, इट्स ओके। मेरा प्लान था किट्टी पार्टी में जाने का, मेरा प्लान अपसेट हो गया, इसका अर्थ है कि ईश्वर का प्लान शुरू हो गया। सिर्फ दो ही व्यक्तियों की चलती है इस दुनिया में, क्या तो मेरी या उसकी, बस तीसरा को, तीसरे तो सब माध्यम है। इज इट क्लियर, दो ही व्यक्तियों की चलती, या तो मेरी चलती है या उसकी चलती है। अब मेरा प्लान यदि अपसेट हुआ है, अब किसका प्लान शुरू हो गया, उसका, और जब उसका प्लान शुरू हुआ तो निश्चित है ना वो मेरे फेवर में ही होगा, दैट इज गुड फॉर मी, क्योंकि मेरी सोच सीमित है, मैं अपनी भलाई इतनी दूर तक ही देख सकती हूं, और वो कहां तक देख सकता है, इमीजिएट। यस, हम समझ गए नारायण, तेरी मर्जी चल शुरू हो गई है, इट्स ओके। इमीजिएट जिसके साथ जाना उसको फोन कर दीजिए, कुछ जरूरी काम है तो मैं नहीं आ सकती हूँ, कपड़ा बदला, क्योंकि डिजाइनर साड़ी काम तो कर नहीं सकते, कपड़ा बदला, सामान रखा, हम अभी बच्चों के साथ समय बिताना है, इनको मैं बेस्ट क्या दे सकती हूँ, इनका फेवरेट क्या बना सकती हूँ, क्योंकि अभी प्लान किसका चल रहा है, उसका चल रहा है, तो मुझे उसके प्लान पर सही साबित होना है। इमीजिएट मुस्कुराते हुए तुरंत, शायद किट्टी पार्टी में जाके पता नहीं क्या होता मेरे साथ, भगवान ने मुझे पहले ही रोक लिया कि यहाँ घर में बैठ के खुशी मनाओ, और यदि आपने चाहा पास्ता पिज्जा खाना, सामने बॉइल्ड फूड आ गया, नारायण तेरा धन्यवाद है, क्योंकि इस क्षण की मुझे नहीं पता क्या रिक्वायरमेंट थी, मैं समझ रही थी पास्ता पिज्जा खाना है, पर इस क्षण की रिक्वायरमेंट मेरी बॉडी के हिसाब से ये है, और तू इसे बेहतर तरीके से जानता है, तेरा धन्यवाद है, उसे प्रेम से प्रसाद समझकर खाना है। और देखिए ना, विद इन 2-3 डेज आपके सामने ट्रे आ जाएगा पिज्जा का, पास्ता का, डेफिनेट है, डेफिनेट है, आजमा के देख लीजिए। और जब ऐसे में आपके मन की शांति इंटैक्ट रहेगी,